ये मेरी नॉलेज, खुद की नॉलेज है जो मैंने इतने सालों से बाल रखे हैं। भाई मैं पहले बोल रहा हूँ, ये जो मैंने बालों की सारी वीडियो के बारे में बात किया, ये मेरी खुद की नॉलेज है, ठीक है? मैं कहीं से देख के, कहीं से किसी और चीज़ के और के बारे में नहीं बोल रहा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग सही हो गए और मज़े में होंगे घर पे, ठीक है? तो सबसे पहले तो भाई, जिन लोगों ने आजकल मेरे चैनल पे सब्सक्राइब किया, नए नए सब्सक्राइबर या नए नए लोग ज्वाइन हुए हमारे चैनल पे, थैंक यू सो मच। और जो पुराने भाई, उनको भी थैंक यू सो मच, बहुत पहले से देख रहे बंदे। और भाई जिनने इधर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, तुम्हारा एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता, पर मुझे मोटिवेशन मिलती है अगली वीडियो बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, मज़ा आता है कि हाँ भाई, जब बंदे कमेंट करते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे होते हैं ना, सब्सक्राइबर काउंट बढ़ रहा होता है, तो हाँ फीलिंग आती है कि हाँ यार अब वीडियो बनाएंगे, अब मजा आएगा, मजा आ रहा है करके। तो हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही अराउंड, मतलब पास ही है, बस तुम सब सब्सक्राइब कर दोगे ना तो मजा आ जाएगा। और उसके बाद हम हाइट कर रखे, अभी हमने सब्सक्राइबर तो हटा देंगे हम, पहले हमने हाइट नहीं करे थे, अभी 4-5 दिन पहले हाइट कर रहे हैं, तो उसको हम हटा देंगे, वापस से दोबारा से ओपन कर देंगे 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद, ठीक है? तो आज हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल के बारे में। आजकल हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा किससे होता है? लड़कों को, ठीक है? अभी मैंने देखा है कि ज़्यादा लड़कों की ये बातें, अभी यह प्रॉब्लम आ रही है। मैंने भी ये पिछले साल तक मैंने भी फेस किया, तो मैं बताऊंगा कि मेरे को कैसे क्या और हुआ या क्या सब चीज़ है। देखो, हेयर फॉल होने के 3 तरीके हैं, मतलब 3 तरीके से हेयर फॉल होता है। पहला कि भाई तुम्हारे वो कैसे हैं, जीन्स कैसे हैं, तुम्हारा जेनेटिक कैसा है, तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है? फैमिली बैकग्राउंड का मतलब तुम्हारे दादाजी या पापा लोगों के बाल कैसे हैं। अगर तुम्हारे पापा लोग यहाँ से ना गंजे हैं, इधर से या इधर से, या तुम्हारे दादाजी, तो भाई वो जेनेटिक है, तुम्हारे नहीं आ सकते बाल, ये तुम समझ जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि तुम कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ कर लो, तुम अपना पैसा बर्बाद करोगे, अपनी अपना रियलिटी है कि तुम अपना पैसा बर्बाद करोगे। एक ऑप्शन है कि भाई तुम हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करवा लो, और वो भी बहुत घटिया चीज़ है भाई, वो मतलब वो उनके लिए सही है ना जिन पे बहुत ज़्यादा पैसा हो, अच्छा पैसा। और मुझे पता है जो अच्छा पैसा जिन पे, वो मेरी वीडियो देखते नहीं है, हम तुम जैसे ही नॉर्मल बंदे जो मेरी वीडियो देखते हैं, तो भाई बहुत ही मतलब नहीं है, जो तुम्हारे बाल झड़ गए तो झड़ गए, बस एक चीज़ है ना, बस तुम्हारी किस्मत अच्छी है अगर ये चीज़ की वजह से तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं। जैसे क्या होता है, किसी की बाल झड़ते हैं ये 30 के बाद, ठीक है? उससे पहले इतने बाल नहीं झड़ते, हल्के हल्के जा रहे होते हैं, हल्के 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 करके पीछे को जाते हैं 30 के बाद या 40 के बाद, तब जाके यहाँ तक झड़ते हैं, ठीक है? और उसका बेस्ट क्या होता है, तुम 30 से पहले अपनी शादी वादी कर लो, सब कुछ सेट है, लाइफ सेट है भाई सब, उसके बाद क्या करना है, बाल झड़ जाए कुछ करना, कोई टेंशन नहीं रहती है, रहती है वैसे, ऐसा कुछ नहीं है कि शादी होने का बालों की कोई केयर नहीं है। बट हाँ, जैसे अभी के टाइम पे होता है ना कि लड़के जवानी में ही बाल चले गए और शादी नहीं हुई है, फिर भयंकर भी झंझट हो जाता है भाई, बहुत गलत सीन हो जाता है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर इस तरीके से तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? दूसरा तरीका है कि जैसे पैचेस की वजह से ना, पेपर पैचेस बन जाते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर से बाल ही गायब हो गए, यहाँ से बाल गायब हो गए, यहाँ से बाल गायब हो गए, तो भाई दौड़ लगा के जाओ डॉक्टर के पास, मेरे पे कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर के पास उसका ट्रीटमेंट होगा, दवाइयाँ चलेंगी, वो इन्फेक्शन की वजह से होता है, फंगल इन्फेक्शन में आते, कोई फंगल वाला कोविड वाला नहीं है, दूसरे जो स्कैल्प होती है ना उसमें इन्फेक्शन हो जाते हैं, फंगल जम जाता है, बैक्टीरियाज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भैंस का ट्रीटमेंट होता है, जल्दी से जल्दी चले जाओ, सही हो जाता है, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी चीज़ सही हो जाती है। और तीसरा जो चीज़ है जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है आजकल लड़कों को, जिससे वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो है रेनी सीजन। भाई आजकल हेयर फॉल होना नॉर्मल है, तो भाई डू यू नो करके एक भाई है, उसका यूज़र नेम है, भाई ने बोला था भाई 60 से 70 बाल पर डे गिर रहे हैं, क्या करूँ, कुछ मत करो भाई, गिरते हैं, वो नॉर्मल चीज़ है। और वो क्यों गिर रहे हैं भाई, तूने अपने बाल पता है बड़े रखे होंगे, बड़ा मीन्स जैसे पहले जैसे तुम्हारे बाल इतना है ना, उससे ज़्यादा बड़े हो जाए कि मतलब जैसे बालने वाले, या जैसे हम लॉन्ग हेयर रखते हैं, तो जब हम लॉन्ग हेयर रखते हैं ना, तो जब मानसून आता है तो एटमॉस्फेयर में क्या होती है, नमी होती है, तो नमी की वजह से बाल गिरना नॉर्मल है। अगर तुम्हारे 100 से 150 बाल भी पर डे गिर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तुझे कोई भी नहीं टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, अगले साल फिर न्यू ग्रोथ हो जाती है। मेरे गिरे थे अभी जो मेरे ड्रेडलॉक के अंदर ये बाल आ रहे हैं, मैंने भाई तूने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, मैंने बोला कि मेरी ना अंदर से न्यू ग्रोथ हो रही है, ठीक है? ये ड्रेडलॉक में बाल आ रहे हैं अंदर की साइड से ना, पूरे बाल उगने लग गए हैं, तो ये वही चीज़ है। अभी वो बाल इतने लंबे हो गए हैं 1 या 2 साल में, वो जो दोबारा आ गए, ठीक है, टूटे हुए बाल थे वो बहुत ही गिरे थे मेरे, हद से ज़्यादा गिरे थे भाई। मैं इतना परेशान था कि मैं नहाने जाता था ना तो पूरे फ्लोर में बाल ही बाल, मेरे पूरी बॉडी में नहाते समय बाल ही बाल, ये चीज़ें तुम फेस कर रहे हो मुझे पता है। और हाथ लगाओ, कभी भी ऐसे बालों में हाथ डालता था मैं, भाई बाल ही बाल, मैं परेशान भाई। मैंने मम्मी से बोला, किससे बोला, बहुत जगह ट्राई किया, मैं तो भाई एटलीस्ट मैं डॉक्टर के पास जाने की भी सोच रहा था कि डॉक्टर की एक बार एडवाइस ले ली जाए, फिर क्या करके, फिर मैंने थोड़ा बहुत छाना पीना यूट्यूब पे देखा, बिल्कुल भाई मेरे को कम से कम 1 से 2 हफ्ते लगे थे, उसके बाद मुझे पता चला था कि हाँ भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है, मानसून में बाल गिरते हैं। उसी टाइम पे मेरे भाई है एक
सुमित, सुमित ने भी बाल रखे थे, लॉन्ग हेयर रखे थे, उसके भी झड़ लेते, उसका भी डेली फोन आ रहा था। अभी वो बेलपाव पे रहता तो उधर को क्या है, इतना हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इतनी फैसिलिटी नहीं है, तो उसका डेली फोन आता था कि भाई हल्द्वानी में कौन सा डॉक्टर है या क्या है, कहाँ पर है भाई मुझे बता दे, या तेरे भी झड़ ले तो मुझे कुछ बता, मेरे को कुछ एडवाइस दे। फिर मैंने उसको भी यही चीज़ कही थी कि भाई टेंशन मत ले, मानसून में ये चीज़ें गिरना आम है, और बट तुम्हारे जो यहाँ से बाल गिर रहे हैं तुम्हारी जेनेटिक की वजह से, कि तुम्हारे भाई फैमिली में बाल, पापा के बाल कम है या दादा के बाल कम है, तो भाई कोई क्योर नहीं है, तुम्हारे बाल जाने वाले हैं, बढ़िया करके सेट गए सीन ही, जल्दी जल्दी सेट करो अपना और देख लो। और हाँ ये होता क्यों है, ठीक है, जैसे लड़कियों के बाहर, लड़कियों को कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, अब लॉन्ग हेयर लड़कियों के भी हैं, उनको प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है, होती है, कई लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, बट हर लड़की को प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, बाल झड़ने की। वो क्यों है, क्योंकि जैसे आप मेरे बाल हैं, मेरे को पिछले साल मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरे थे, इस साल बिल्कुल नहीं गिरे, ठीक है, जैसे ये है मेरे ओपन बाल हैं बट गिरते ही नहीं है, अगर गिरने वाले होते अभी तक गिर जाते, देखो भाई एक बाल नहीं आया ना, ये देखो एक बाल नहीं है। और यही बात अगर मैं अपनी मम्मी से तुम्हें पूछाऊंगा ना भाई, ये रियलिटी की, मेरे पिछले साल ना बहुत ज़्यादा बाल गिरे थे, हद से ज़्यादा भाई, मैं डिप्रेस हो गया था, क्योंकि तुम्हारे भाई का क्या सीन है बताया, तुम्हारे भाई को पसंद है अपने बाल बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि थोड़ा मोड़ा, मतलब थोड़ा बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, अभी नहीं, जब मेरे बाल छोटे थे मैं खड़े रखता था ना तब भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि भाई शक्ल तो अच्छी नहीं है, जो बाल अच्छे हैं एक ही चीज़ अच्छी है तो बेनिफिट है उसका भाई, उसको बचा के रखना, मुझे तो मुझे बालों से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो एटलीस्ट मैं पता है डिप्रेशन में क्या, मतलब अजीब हो गया था यार मूड खराब की, मतलब नहाने जाओ तो बाल गिर रहे हैं, कंघी मारो तो बाल गिर रहे हैं, हाथ लगाओ तो बाल गिर रहे हैं। तो लड़कियों के बाल क्यों नहीं गिरते, पहले इस पे आ जाते हैं, ठीक है, क्यों नहीं गिरते, क्योंकि वो उनने रखे होते हैं बाल बचपन से अभी तक, ठीक है, उतने साल हो गए उनके बालों ने, देखो बाल हुए, उनने फिर गर्मी देखी, फिर ठंडा देखा, फिर बारिश देखी, फिर गर्मी, फिर ठंडा, फिर बारिश, फिर गर्मी, फिर ठंडा, फिर बारिश, मतलब सारे एटमोसफेयर, सारे मौसम उनने फेस कर लिया, उनके बाल अब स्ट्रांग हो चुके हैं, उनके बालों ने अपने आप को मतलब उस चीज़ में ना हैबिट चुअल कर लिया, मतलब वो ढल चुके हैं उस चीज़ में, कि भाई अब उनको फ़र्क नहीं पड़ता बारिश हो, नमी हो, मौसम में कुछ भी हो। पर कई लड़कियों के गिरते हैं इस टाइम पे बाल, ऐसा नहीं कि हर लड़कियों के हो जाते हैं, बट एक पॉइंट होता है कि वो चीज़ों में क्या होता है, हैबिट हो जाती है बालों को। और लड़कों के बाल क्या होते हैं, जैसे मैंने पिछले साल के, पिछले साल रखे थे, ठीक है, मेरे बालों को 3 साल हो गए हैं समथिंग, हाँ 3 साल हो गए हैं, बट पहले साल इतने बड़े नहीं थे कि गिरे, बट उसके बाद जब इस साल, मतलब पिछले साल मेरे बाल इतने इतने बड़े थे तो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गिरते थे, ठीक है, क्योंकि मेरे बालों ने पहली बार मानसून देखा था, बड़े बालों ने, ठीक है। अब तुम ये मत कहना कि भाई हमारे सर में तो बाल पहले से होते हैं, बचपन से हमारे बाल हैं, हमारे बालों ने भी तो मानसून देखा है, ऐसा थोड़ी पहला मानसून देखा, नहीं भाई बड़े बालों में, क्योंकि बाल बड़े होते हैं ना, ठीक है, लॉन्ग बाल है तो जड़ कमज़ोर हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चेंजेस होते हैं, तो उस, अब मेरे बाल पिछले साल तक बहुत ज़्यादा गिरे थे, अब बिल्कुल नहीं गिरते भाई, अब जो गिरते भी होंगे तो ड्रेड लॉक के अंदर गिरते हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं है मुझे गिरने दो, ठीक है, और बट रियल में मेरी हेयर फॉल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बाल ओपन है मेरे और नहीं आ रहे हैं बाहर, ठीक है, तो इसका मतलब नहीं गिर रहे। तो अगर तुम्हारे 100 से 150 बाल भी गिर रहे हैं तो भाई तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हें बता रहा है, टेंशन मत लो, इस साल गिर रहे हैं, अगले साल फिर आ जाएंगे, नॉर्मल चीज़ है ये भाई, 50-60 बाल तो कुछ भी नहीं होता, 100 से 150 बाल भी अगर गिर रहे हैं ना, डॉक्टर कहते हैं कि 100 से 150 बाल भी गिर रहे हैं तो उतना डरने की चीज़ नहीं है, तुम्हें डरने की ज़रूरत पता है कहाँ पर है, जब तुम्हारे 500 से 1000 बाल इतने गिर रहे हैं, 500 से 1000 भाई बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, इतने जब बाल गिर रहे हैं ना तब तुम्हें डरने की ज़रूरत है, भाई लाखों बाल होते हैं हमारे सर में, लाखों बाल, मानसून तो अभी चले जाएगा, 1 महीने का मानसून भी नहीं होता यार, मतलब जो बारिश का सीन होता है ना जिसमें नमी होती है मौसम में, कितना ही सीन होता है, कुछ टाइम का है वो, 1-2 महीना, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम तुम्हारे बाल कितना गिरेंगे, 1-2 महीना यार, अब 100-150 बाल से लगा लो हिसाब की, 1-2 महीने में कितने हो रहे हैं, और तुम्हारे सर में 1 लाख से ऊपर बाल होते हैं, ठीक है, मेरे एवरेज से, हाँ 1 लाख से ऊपर बाल होते हैं, 1 लाख से 1.5 लाख बाल होते हैं, अब भाई जिसके कम बाल है समझ लो तुम्हारे 1 लाख हैं, जिसके ज़्यादा घने बाल हैं वो समझ लो तुम्हारे 1.5 लाख हैं, तो इसका एवरेज लेके चलो, तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं। और हाँ अब यार मैं तुम्हें, अब भाई ने बोला था कि भाई कुछ चीज़ बता देना, भाई मैं क्या बताऊँ, कोई नहीं है सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन क्या नहीं है, पता है सॉल्यूशन क्या है, जब तुम बाहर मतलब नहाने जाओ तो नहाने आने के बाद बढ़िया करके अपने टावल लावल करो, बढ़िया बाल सुखाओ, बालों में नमी मत रहने देना, और क्या शैम्पू करना टाइम पे, क्योंकि फंगस जमा हो जाता है और वो चीज़ें गंदगी, क्योंकि तो गंदी जो बारिश की पानी होता है ना, गंदा पानी, उससे भी बाल बहुत झड़ते हैं, और बाकी इतना ही है भाई। अगर मेरा भी चैनल ऐसा हाइप पे होता ना, मतलब मैं ऐसे 1-2 लाख चैनल, मेरा इतना बड़ा चैनल होता, मेरा 1-2 लाख का मुझे स्पॉन्सर मिल रहा होता ना, मैं कोई ना कोई प्रोडक्ट चिपका देता तुम कसम से भाई, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट चिपका देता, मैं बोलता देखो ये फलाना फलाना प्रोडक्ट है, इसको यूज करो भैया, तुम्हारे बाल हो जाएंगे बिल्कुल क्लियर, मस्त घने बाल मेरी तरह आ जाएंगे। भाई देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ,
सब कुछ नहीं होता, अगर तुम्हारे बाल गिर रहे हैं ना तो भगवान आके भी नीचे नहीं बचा सकते। अब भाई तुम्हें पता प्रोडक्ट फैलन लवली से कोई गोरा हुआ आज तक? ये बता, तुम बता खुद, नहीं हुआ ना। तो ये रियलिटी, कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता कि भाई जिससे बाल वाल बच जाए। हाँ बट ऐसा होता है ना, बाल गिरने के मतलब क्या है, क्या चीज़ है कि अगर तुम्हारे बाल वैसे गिर रहे हैं ना कि कोई एलर्जी हो गई, एकदम से कोई एलर्जी हो गई, मिस हैपनिंग हो गई तुम्हारे बालों के साथ, कोई एलर्जी हो गई या कुछ चीज़ हो गई, एकदम से कोई बैक्टीरिया आ गया, कुछ कुछ भी हो गया तुम्हारे को जैसे, है ना, तो वो बाल वापस आ जाते हैं। जैसे किसी को कैंसर में बाल गिरते हैं बट वापस आ जाते हैं, इस टाइम पर सुना दिया कोविड में बाल गिर रहे थे बट वो भी वापस आ जा रहे हैं। तो ये चीज़ें कि अगर तुम्हारी गलती से टाइम नहीं है बालों का, या वो उनका वो नहीं हुआ है गिरने का, बट कुछ इन्फेक्शन हो गया, कोई बीमारी हो गई तुम्हें, उस वजह से गिर रहे ना, तो वो बाल वापस आ जाते हैं। बट अगर तुम्हारे हेयर फॉल हो ही रहा है कि तुम्हारे बाल जाने ही वाले हैं भैया, उनकी जड़ी खत्म हो गई, रूट खत्म हो गई, खत्म हो गए अंदर से बाल, तो भाई मेरी नॉलेज में, मैं पहले कह रहा हूँ भाई, एक बात है कि मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से कह रहा हूँ, अपनी नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने सराउंडिंग में देखा है, मैं किसी वीडियो या किसी और चीज़ को देख के नहीं बोल रहा हूँ, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है। भाई मेरे सराउंडिंग में कितने सारे लोग हैं जिनके बाल नहीं है या बाल उड़ चुके हैं, तो भाई मैं उस चीज़ के ऊपर कह रहा हूँ। ये चीज़ें होती हैं, मेरे ताऊ हैं उनके बाल भी कम है, ठीक है, ऊपर ऊपर को चले जाने लग गए हैं, और उनका बेस्ट क्या है, उनकी शादी पहले हो गए, उनके उस टाइम पे नहीं गिरे बट एक एज के बाद गिरे, तो ये बेनिफिट रहता है कई लड़कों का। एक हमारे सर है, ट्रेनर है मेरे, अगर वो मुझे, मेरे को नहीं लगता वो आजकल वीडियो देखते नहीं देखते मेरी, पता नहीं, अगर सर देख रहे हो तो ट्रेनर है मेरे, वो जिम के ट्रेनर थे जिस टाइम पे मैं जिम जाता था 2-3 साल पहले, सर समझ जाएंगे। तो उनके भी सर में बाल बहुत कम है, और भाई ये कोई चीज़ नहीं है यार, मतलब बाल है होना नहीं होना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। वो तो ट्रेनर है भाई, तगड़ी बॉडी वॉडी है, और वो हैबिट के हिसाब से और अपनी बिहेवियर के हिसाब से भी बहुत अच्छे बंदे हैं। तो यही चीज़ है यार, ये चीज़ें नॉर्मल है, टेंशन मत लो, ये गिरते रहते हैं, अगले साल फिर आ जाएंगे, और क्या सॉल्यूशन दूँ मैं तुमको, बस कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई। मैं इतना परेशान हुआ था ना, मैं मेरे से डिप्रेस नहीं हुआ होगा कोई भाई, मैं परेशान हैरान, मतलब क्या हो रहा है भाई, ये क्यों गिर रहे हैं मेरे बाल, ऐसा सीन हो गया था। बट टेंशन कोई नहीं है, देखो बाल इस साल गिरेंगे तो अगले साल तक वो दोबारा आ जाते हैं, तुम्हें बाल कटाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कई बार देखा है कि लड़के बाल कटा देते हैं कि भैया मेरे तो बाल गिर रहे हैं, मैं बाल कटा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है भाई। अगर तुम लॉन्ग टर्म के लिए बाल रख रहे हो ना, तुम अगर तुम 2-4 साल के लिए, या तुम्हारा सीन है कि यार चलो अब मैं लॉन्ग, जैसे मैं हूँ, मैं कई सालों से लॉन्ग हेयर पे हूँ, मैंने मतलब अपने बाल बढ़ाने शुरू कर दिया, मेरे को यही चीज़ें कम्फर्ट फील करता हूँ मैं, अच्छा लगता है मुझे बड़े बालों में, तो तुम्हें बाल कटाने की ज़रूरत नहीं है डर के कि भाई यार ये चीज़ें हो रहा है। एक बंदे का आया था शायद कि मैं ड्रेड लॉक रख रहा हूँ भाई और मेरे बाल हेयर फॉल बहुत हो रहा है, क्या करूँ? तो भाई ये चीज़ें नॉर्मल है। मेरी प्रीवियस वीडियो, अगर ड्रेड लॉक वाली वीडियो देखी होती है ना किसी ने, हेयर वाली मेरी, शायद आई थिंक मैंने किसी ना किसी वीडियो में मैंने पक्का बोला है कि अगर हेयर फॉल होता है तो इतने से इतने बाल भी गिर रहे, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें नॉर्मल है करके। तुम देखते नहीं हो ना सालों अच्छे से वीडियो मेरी, और उसके बाद भाई बोल रहा था मैं भाई बहुत टाइम से देखता हूँ तुम्हारी वीडियो। नहीं भाई नहीं देखता तू, खाली बोल गया तो ऐसी, हाँ पता चल गया मुझे, नहीं देख रहा तो भाई बहुत टाइम से। तो भाई मजाक सेट के, अगर तुम्हारे बाल नेचुरली मतलब 50 से 100, 100 से 200 बाल भी गिर रहे हैं, 100 से 150 यार ज़्यादा नहीं, 200 ज़्यादा हो जाएगा, 100 से 150 बाल भी गिर रहे हैं, तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेचुरल है भाई, वो गिरता है। मानसून में क्या होता है, मौसम एटमोसफियर चेंज होता है, एटमोसफियर में नमी होती है, इस वजह से बाल गिर जाते हैं। मेरे बाल काफ़ी गिरे थे, हद से ज़्यादा गिरे थे, और आज देखो तुम कहोगे मेरे बाल गिरे थे, कोई नहीं कहेगा कि मेरे बाल गिरे थे भाई, इतने भी नहीं गिरते कि तुम गंजे हो जाओ, मतलब गिरे बहुत थे। अभी रुको यार, मैं तुम्हें अपनी ना वो दिखाता हूँ, नहीं ग्रोथ मैं दिखाऊँ कैसे फिर तुम्हें, पीछे हो जा रहे हैं ना ये, अंदर है, अब अंदर से कैसे दिखाऊँ। बट मेरी अभी प्रीवियस कुछ वीडियो पहले में ही बोला था मैंने कि मेरी नई ग्रोथ हो रही है, उसकी वजह से मेरे को थोड़ा डिप्रेसिंग फील हो रहा है, मतलब बेकार लग रहा है कि इसके अंदर से बाल बाल चिपक जाते हैं करके। तो यही चीज़ है, थैंक यू सो मच यहाँ तक के लिए ब्लॉग देखने के लिए, आई होप मैंने तुम्हारी कोई हेल्प करी होगी। तो भाई देखो जो जो मैंने क्राइटेरिया बताया है, अगर तुमने उस हिसाब से है कि भाई तुम्हारी अगर जीन्स में कोई दिक्कत है, मतलब घर में दादा वादा के पापा के बाल कम है तो नहीं आने वाले तुम्हारे बाल, तुम्हारे एकदम पैचेस निकलने लग गए हैं तो डॉक्टर के पास चले जाओ, 100 से 150 बाल नॉर्मली गिर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली में बैकग्राउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है बालों की, तो चिल मारो ठीक है, और मैं भी चिल मार रहा हूँ। तो ये वीडियो यहीं के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कर देना ठीक है भाई, प्यारा प्यारा कमेंट छोड़ देना, और अभी भी कोई प्रॉब्लम हो हेयर के बारे में दोबारा कोई सवाल पूछ लेना। बट ये सारी चीज़ें मेरी नॉलेज, खुद की नॉलेज है, जो मैंने इतने सालों से बाल रखे हैं भाई, मैं पहले बोल रहा हूँ, ये जो मैंने बालों की सारी वीडियो के बारे में बात किया, ये मेरी खुद की नॉलेज है ठीक है, मैं कहीं से देख के कहीं से किसी और चीज़ के और के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। बट हाँ, जो ये मानसून वाली बात है, ये मुझे पता चली थी, मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी थी, उसके बाद मुझे पता चली थी कि मानसून में नमी की वजह से बाल गिरते हैं करके, ठीक है।
और बाकी मेरी खुद की नॉलेज है। इतने साल है भाई नॉलेज यार, इतने बड़े बाल हो गए, देखा सीखा टूटे फूटे तो सीख जाते हैं। ठीक है, और आज के लिए इतना ही है भाई, फिर और क्या करना है यार, 15 मिनट की वीडियो हो गई है। वीडियो में हमेशा शॉर्ट करने की सोचता हूँ, पल लॉन्ग हो जाती है, क्योंकि मेरे दिल की जो बात है ना अभी भी भाई, मैं बालों के बारे में कितनी बातें करना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके, हम लाइव आएंगे, लाइव आके कुछ बकचोदी करेंगे मस्त मस्त से। ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर बचाओ जल्दी से, बाय बाय 15 मिनट की वीडियो के, बाय।